तक 6 लाख से भी ज्यादा नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम हो चुका है और रोजगार मेले के इस दिव्य अभियान के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, नगर निगम के साथ ही तमाम दूसरे निकाय के जो कार्मिक हैं, दूसरे निकायों में भी उनकी कमी लगातार देखी जा रही है और मैंने भी इसका स्वयं संज्ञान लिया है। लगातार हम लोगों ने एक अभियान चलाया है और मुख्यमंत्री कार्यालय में ACS श्रीमती राधा रतूड़ी जी को हमने इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कि जितने भी विभाग हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, उन विभागों में जहां भी ये हमारे पद रिक्त हैं, उन सभी पदों का संज्ञान लेकर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और 102 नगर निकायों में समूहों की भर्ती प्रक्रिया सकुशल जो संपन्न हुई है, उसका चयन किया गया है। मुझे खुशी है कि अब आप सबकी नियुक्तियां हो जाने से आप सब लोग जब अपने अपने स्थानों पर काम प्रारंभ कर देंगे तो उसके बाद जो निकायों में परेशानियां आ रही थी, थोड़ा काम कम हो रहा था या काम में जो तेजी आनी चाहिए, जो गति आनी चाहिए, जो प्रभाव दिखना चाहिए, वो प्रभाव नहीं दिख पा रहा था और अब आप सबके आने के बाद ये परेशानियां भी दूर होगी। एक तरफ जनता की परेशानी दूर होगी और दूसरी तरफ जो कामों को तेजी से करने की हमारे सामने चुनौती है, वो चुनौती भी आप सब स्वीकार करके उन कार्यों में तेजी लाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। आज जिन लोगों को भी आज ये नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जैसा प्रेमचंद जी कह रहे थे कि आप उदास तो आप लोगों को होना नहीं है, अब तो आप लोगों को मंजिल के पास जाना है और चुनौती अब आपके सामने, एक चुनौती तो आपकी समाप्त हो गई कि आप काम मिल गया और अभी तक जो आपने पढ़ाई करी थी, आपने मेहनत करी थी, परिश्रम किया था, शिक्षा प्राप्त की थी, अब एक चुनौती के रूप में आपको रोजगार मिल गया, आपको काम मिल गया और जीवन का जो उद्देश्य है उस दिशा में कहीं ना कहीं एक रास्ता आपको मिल गया है। अब आपको मंजिल तक पहुंचना है और मंजिल क्या है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। और जीवन में चूंकि जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए लगातार प्रयास करना, लगातार काम करना और लगातार कहीं ना कहीं विनम्र होकर, उदार होकर, सहनशील होकर, संवेदनशील होकर और निश्चल होकर अपने कर्तव्य को पूरा करके आपको अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का काम करना है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, उसके बाद आपके गुरुजनों ने आपको कहीं ना कहीं शिक्षा देने का काम किया, शिक्षा से जोड़ने का काम किया, बहुत सारे अभिभावकों की तरह हमारे अन्य जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमको राह दिखाने का काम किया। अब जीवन को खोजने का काम आपके हाथ में है, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना आपके हाथ में है और ये तभी होगा जब आपकी जब ये सेवा आज प्रारंभ हो रही है। जिस दिन भी आप ज्वाइन करें, कब ज्वाइनिंग हो जाएगी नितिन जी? 3 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और 3 तारीख से पहले दिन से ही अगर आपने अपने जीवन के कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मानक आपने बना लिए तो आप ये तय मानिए कि आप उन मानकों को अपने पूरे जीवन भर के लिए बनाइए और ये सेवा आपकी एक सीमित समय के बाद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सेवा जो सरकारी सेवा होती है वो हमेशा नहीं चलती है, लेकिन जीवन में बनाए हुए मानक जीवन के अंतिम क्षण तक चलते हैं। इसलिए जीवन के अंतिम क्षण तक जो मानक चले उनको जीवन में आज अपना लेंगे आप, तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है, आप आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते चले जाएंगे। आपको संतोष प्राप्त होगा, आपको आनंद आएगा अपने काम करने में,
लेकिन अपने साथ अपने स्वयं के साथ भी आपको थोड़ी कठोरता भी बरतनी होगी, थोड़ा अनुशासन भी बनाना होगा। और कोई इस अनुशासन को आपको बनाने के लिए नहीं कहेगा, अब आपको ये काम स्वयं करना है। जिस प्रकार से अभी तक आपने अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में, अपने को अपनी शिक्षा में जिस प्रकार के मानक बनाए हैं, उनमें थोड़ी और कड़ाई की आवश्यकता होगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि अब हमको ये सेवा मिल गई है और 10 to 5 एक जो पहले चलता था ना कि 10 से 5 तक सेवा देनी है, उसके बाद तो कुछ नहीं। अब आपको इसको थोड़ा 3 लेकर काम करना है, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है अभी, और तमाम तरीके से जो हम लोगों ने आज राज्य के सामने तमाम हमने लक्ष्य तय किए हैं, तमाम लक्ष्यों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप उसके महत्वपूर्ण कारक होने वाले हैं। और मैं जानता हूं आज आप सभी को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से यह नियुक्ति मिली है, क्योंकि हमने ये तय किया था कि ये नियुक्तियां हमारी जो है पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की जो पक्षपात है, किसी प्रकार की नकल है, वो नहीं होनी चाहिए। और इसलिए अब जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं वो सकुशल पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं। आप सभी जानते हैं एक समय था, आज से पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 10 सालों से लगातार एक नकल की बात हमेशा आती थी कि आज इस परीक्षा में नकल हो गई, आज इस परीक्षा में नकल हो गई, आज यहाँ पर पेन ड्राइव से नकल हो गई, आज यहाँ पेपर छापने वाली कंपनी ने पर्चा ही आउट कर दिया, कहीं पेन ड्राइव पर पूरा का पूरा पर्चा चला गया, कहीं आंसर शीट खाली छोड़ दी गई। इस प्रकार की चीजें लगातार आ रही थी, हर बार ये थोड़ी थोड़ी बार ये चीजें उठती थी और उठने के बाद फिर खत्म हो जाती थी। थोड़े दिनों आप सब में से जिनका चयन नहीं हो पाता था, एक समूह बनाते थे और बात उठाते थे, लेकिन फिर बात समाप्त होती थी। भाइयों बहनों, मेरे सामने भी ये बात आई कि इस बार नकल हो रही है, और एक परीक्षा में नहीं कई परीक्षाओं में नकल हो रही है। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार का काम कैसे हो सकता है, आश्चर्यजनक लगा कि मुझे कि ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने कहा जब इतने विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं, इतने छात्र छात्राएं आ रहे हैं, हमारे भाई बहन आ रहे हैं, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। मैंने तय किया कि इसकी मैं जांच करवाऊंगा। और मैंने जब पुलिस को जांच करवाने के लिए प्रारंभिक रूप से कहा, और प्रारंभिक रूप से ही पता लगा कि इसमें वास्तव में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, नकल हो रही है, तो हमने तय किया कि इस नकल के अभियान की, ये नकल के अपराध की पूरी जो है जांच करवाएंगे और इसके अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। और हमने जांच करवाने का निर्णय लिया, जिसमें जब जांच करवाई तो इस नकल के खेल में बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गिरोह, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं से पोषित हो रहे थे, मैं उन सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब समझ रहे होंगे, पीछे से तमाम लोगों को पोषित करने का काम ये सब हो रहा था, और बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। हमने कहा भी इसमें बड़ा होगा छोटा होगा, जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा इस अपराध में, उसको उसकी सजा मिलेगी, और उसकी सजा के लिए हमने कड़ा प्रावधान किया। पकड़ के जो है जो भी इसमें पाया जाता था उसको जेल में भेजा जाता था। 80 लोग हवालात के अंदर इसमें गए, और इतने से भी नहीं हुआ, ये पहले भी इस प्रकार के आरोप लगते रहते थे, इस प्रकार की बातें उठती थी। हमने तय किया कि केवल जेल भेजने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां आ जा रही थी, फिर भी कुछ न कुछ हो जा रहा था। हमने तय किया कि हम देश के इस कलंक को मिटाने के लिए, हम राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून हम लाएंगे, और हम देश का सबसे कठोर कानून लागू हमने यहाँ पर किया, और इसके बाद सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी सभी परीक्षाएं अब आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी कि आप कोई परीक्षा में कहीं नकल होगी, क्योंकि इस कानून में हमने इतने
कड़े प्रावधान कर दिए हैं कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी पेपर छापने वाला, कोई भी नौकरी करने वाला उस विभाग से जुड़ा हुआ अब नौजवानों और युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें हमने जहां उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है, वहीं उसके साथ साथ ही आजीवन सजा का भी प्रावधान हमने इस कड़े कानून में कर दिया है। भाइयों बहनों, इस नकल कानून के बनने के बाद केवल राज्य के अंदर ही नहीं, राज्य के अंदर नौजवानों ने बहुत बड़ी संख्या में जगह जगह पर इस कानून के लागू होने के बाद कहीं ना कहीं अपनी खुशी प्रदर्शित की। वहीं भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में भी इस कानून को लागू करने के लिए हमारे यहाँ के कानून की इसकी पूरी कॉपियां जो है वहां मंगवाई गई है, पूरे एक्ट को मंगवाया गया है। दूसरे राज्य भी अपने यहाँ इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यह नकल विरोधी कानून बनाने वाले जो राज्य हैं उसकी श्रेणी में हमारे राज्य का अग्रणी स्थान आज हो गया है, क्योंकि ये मॉडल बन गया है राज्य का। मैं इसलिए आप सबसे भी अपील करूंगा कि यदि आप सभी ने ईमानदारी से, दक्षता से, पारदर्शिता और न्याय प्रियता के साथ काम किया तो अब आने वाला जो भविष्य है आपका वो हर प्रकार से सुनहरा होने वाला है। और अगर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा भी चूक हो गई, तो मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि जो भगवान के यहां इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, वो कुछ भी करता है तो उसका एक अकाउंट बन जाता है, एक अकाउंट बनता है। और हमने अगर जानबूझ के गलती करी है, हम जान रहे हैं कि गलत हो रहा है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, हम सामने वाले को कह रहे हैं कि नहीं मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये तय मानिए आप तो जानते हैं कि आप गलती कर रहे हैं और आपसे ज्यादा वो जान रहा है। आपके एक एक पल का और एक एक क्षण का वहां हिसाब होता है। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं ना, तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से हम जब लगातार अपने काम को संपादित करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, ठीक प्रकार से काम करते हैं, अच्छी मनसा से काम करते हैं, तो वहां पर हमारा अकाउंट लगातार बढ़ता जाता है। और जैसे ही हमने थोड़ा सा भी मन में ये आ गया कि नहीं नहीं मैंने तो बहुत स्मार्टनेस दिखा दी है, मैंने तो बहुत चालाकी से इसको बना दिया है, थोड़ा मैं आगे निकल गया हूं लेकिन इसको क्या पता, हमने 10 प्रकार की चीजें गिना दी, हमने कहा कि कोई सीधा साधा आदमी आया है और उसको कह दिया कि नहीं भाई ये तो इस तरह से नहीं हो सकता। जो कहते हैं ना कई बार फाइलों में जलेबी बन जाती है, जानते हैं ना आप लोग, उस प्रकार का काम कर दिया तो वहां आपका अकाउंट क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, बताइए जरा, जरा जोर से बोलिए, माइनस हो जाएगा। और माइनस होते होते कभी कभी इतना माइनस हो जाएगा कि फिर क्या होता, माइनस जब हो जाता है तो घर में कुड़की आ जाती है, जानते हैं ना आप लोग, आरसी कट जाती है। अब चूंकि आप लोग कर वाले विभाग के भी हैं तो इसलिए आपने यहां तो कुड़की करनी है जिसने गड़बड़ की है, लेकिन अपनी कुड़की कभी नहीं करवानी है। और इस प्रकार का काम करना है कि आने वाले समय में आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने ईमानदारी से कार्य करते हुए। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता के साथ कार्य कर रही है, एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना लगातार हम काम कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत को श्रद्धा के भाव से देखा जा रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले ही इंग्लैंड से लंदन के और बर्मिंघम के दौरे से लौटकर आया हूं, वहां पर विदेश के जितने भी प्रतिनिधियों से मैं मिला हूं उस देश में जाकर, सभी ने जो भारत इन दिनों आए हैं, पिछले सालों में जो भारत देखकर गए हैं, या विशेषकर G20 को जिन्होंने भी आकर भारत के अंदर देखा है, तो वो भारत के सामर्थ्य से परिचय उनका हुआ है, भारत के सामर्थ्य को उन्होंने जाना है, भारत की संस्कृति को पहचाना है और विकसित होता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत दुनिया ने देखा है।
मैं बता नहीं सकता कि किस प्रकार से लोगों ने मेरे सामने वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्णन किया, हमारे देश का वर्णन किया। वो बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण था। यहां तक कि मैं हाउस ऑफ कॉमन्स में जब गया तो वहां के सांसदों ने कहा कि जिस प्रकार से सिंगापुर, ताइवान, दूसरे देश जहां पर आज बड़ा टूरिज्म आता है, वो टूरिज्म अब भारत के अंदर भी आ रहा है। दुनिया के लोग अब भारत को देखने भी आ रहे हैं, क्योंकि भारत भी सामर्थ्यवान बना है। और जो सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, जिसमें आज स्वच्छता के अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसके कारण से आज हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। भारत को लोग एक श्रद्धा के भाव से देख रहे हैं, नए भारत, बदलते हुए भारत की तस्वीर देख रहे हैं, और भारत में दुनिया अपना भविष्य देख रही है। हम लोग इस महत्वपूर्ण काल में, जो आने वाले 25 साल हैं, जिसको अमृत काल कहा गया है, इस अमृत काल के आप सब सारथी हैं। इस अमृत काल को सार्थक बनाने का काम, इस अमृत काल में जो हमने लक्ष्य तय किए हैं, उन लक्ष्यों को तय करने की जिम्मेदारी भी आप सबकी है। क्योंकि आज देखिए, आप ऐसे कठिन समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी महाशक्ति अर्थव्यवस्था के रूप में बनाने का संकल्प लिया है, और हम उसको बनाएंगे, हम उसको बढ़ेंगे, और 2047 आते आते हम दुनिया के नेतृत्व के रूप में, दुनिया के विकसित देश के रूप में, दुनिया की महाशक्ति के रूप में, अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन से भी ऊपर की अर्थव्यवस्था के रूप में, इतनी सामर्थ्य हमारे देश के अंदर है, वो हमारी बनेगी, और उसमें हम सबका योगदान होगा। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने अथक प्रयासों से, जो आपके निकाय हैं, उनकी छवि को बनाने का काम करेंगे, बरकरार रखेंगे, और साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि आप सभी उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, हमारा विकल्प रहित संकल्प, उसकी सिद्धि के लिए भी अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी को, सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान बाबा बद्री विशाल जी से